देखो अभी तक हमने सुना था आयत वर्ग इनका क्षेत्रफल निकालना या परिमाप निकालना, ठीक है। अब हम जानेंगे, जैसे मान लो कोई खेत होता है या कोई घर होता है या कोई भी चीज होती है, उसके आसपास में सड़क दी होती है, ठीक। मान लो यहाँ तुम्हारा बीच में कोई घर है या खेत है या घास का मैदान है या बगीचा है, ठीक, जहां प्लांटेशन हुआ पड़ा है और उसके साइड साइड में क्या है, पेड़ लगे हुए, इसके साइड साइड में क्या लगे हैं, प्लांटेशन हुए, ठीक है। अब प्लांटेशन होने के बाद जो ये एरिया होगी, एक तो ये एरिया हो गई और एक टोटल एरिया होगी, मतलब समझ रहे मेरी बात, एक आयत तुम्हारा देखो बन रहा है ए बी सी डी और दूसरा आयत कौन सा बन रहा है, पी क्यू आर एस। अब अगर जो मैं पूछूं, ठीक है, हमको अगर जो इसका निकालना हुआ तो इसका निकल जाएगा, इसका निकालना हुआ तो कैसे निकालेंगे, मान लो ये वैल्यू हमें बड़े वाले आयत का दिवन है लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, लंबाई चौड़ाई, क्योंकि दो भुजाओं का दिया है तो हमें पता है दो भुजाएं आपस की सामने की क्या होती है, आयत की बराबर होती है, ठीक। तो ये भी निकल जाएगा, ये भी निकल जाएगा, और इसका क्षेत्रफल निकालना चाहेंगे तो क्षेत्रफल निकल जाएगा। बट अगर जो मैं इस छोटे वाले रेक्टेंगल की बात करूं तो क्या निकल पाएगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, और पहला दूसरा क्या है, ये जो मार्ग है कौन सा, ये वाला मार्ग जो यहाँ पे देखो शेडेड है, ठीक, इस शेडेड का कैसे हम निकालेंगे वैल्यू, एक एक तो ये बड़ा वाला, दूसरा हो गया छोटा वाला, यानी एक आयत इसमें कौन सा है, एक आयत है ए बी सी डी एंड दूसरा आयत कौन सा है, पी क्यू आर एस, ये दो आयत है, ये क्लियर है। अब देखो अगर जो हमें पी क्यू आर एस वाले आयत की वैल्यू निकालनी है, हेलो पी क्यू आर एस वाले वैल्यू की, आयत की हमें लंबाई और चौड़ाई याद करनी है तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। अब मान लो हम पी क्यू आर एस वाले आयत में लेते हैं आयत पी क्यू आर एस, ठीक, इसमें क्या है, अब देखो हमें ये वैल्यू की वैल्यू पता है, ठीक है, और ये जो है इन दोनों में क्या है, इसका जो नाली बना हुआ है, मतलब जो ये पाथ है, जो रास्ता है, वो कितने का है, हर जगह 2 मीटर का है, कितने मीटर का, 2 मीटर का, इधर भी हर जगह 2 मीटर है, ये जो इसकी चौड़ाई है रास्ते की वो कितनी है, 2 मीटर है, ठीक है। अच्छा चारों तरफ 2-2 मीटर दिया हुआ है तो ये बताओ कि अगर जो हम पी क्यू आर एस का, ठीक है, लंबाई या चौड़ाई याद करनी है तो कैसे याद करेंगे। देखो अब हम बात करें अगर जो पी क्यू आर एस की लंबाई, यानी लंबाई याद करनी होगी तो लंबाई में हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ हमारा कितना है, कितना है, ठीक है, सीडी की लंबाई कितनी है 40 या एबी की लंबाई 40, ठीक है, और हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, आर एस की और क्यूपी की या पी क्यू की, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टोटल जो लंबाई है यानी 40, हाँ 40 माइनस, अब देखो इतना रास्ता हमारा है, ठीक है, 2 मीटर ये और ये 2 मीटर, अगर जो इस 40 में से इधर का 2 मीटर, इधर का 2 मीटर माइनस कर देंगे तो यहां तक आ जाएगा ये, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा। अभी देखो मैं सिर्फ सिंपल में समझा रहा हूं, उसको ध्यान देना, ये टोटल लेंथ कितनी है, कितनी लेंथ है इसकी, यहां से लेके अगर जो हम इसको काउंट करें तो कितनी है, 40 मीटर, ठीक है, 40 मीटर में से 2 मीटर का यहां हमने काट दिया और 2 मीटर हमने यहाँ काट दिया तो बीच वाला क्या बचेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, 40 माइनस 2 प्लस 2, ठीक है, यानी 40 माइनस कितना हो जाएगा, ये 40 माइनस 4 यानी 36 मीटर, किसकी लेंथ आ गई 36 मीटर,
बता सकते हो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो लेंथ आ गया वो कितना आ गया 36 मीटर, या यहाँ से लेके यहाँ तक का लेंथ कितना आ गया 36 मीटर। लेंथ पता चल गया आपको, हम क्या निकालना है विड्थ, ठीक है, यानी चौड़ाई निकालनी है। लंबाई हमारी निकल गई छोटे वाले चतुर्भुज की, आयत की, अब हम निकालेंगे चौड़ाई। अब देखो चौड़ाई के केस में कितना दिया हुआ है, ये कितना है एडी या डीए कितना दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक की 30 मीटर, और सीबी या बीसी कितना दिया हुआ है 30 मीटर, 40 मीटर इसका लेंथ है ये वाला ऐसे, और ये जो है वो कितना है ये बराबर ये होगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा 30 मीटर, ठीक है। अब अगर जो हम इसको ऐसे पार्टीशन करें, यहां से बीच से ऐसे काटते हुए लेते आते हैं, ठीक है, अब देखो यहां हमारा कितना मीटर है 2 मीटर, और यहां भी कितना है 2 मीटर है, तो 30 में से अगर जो हम इधर का 2 और इधर का 2 निकाल देंगे तो हमारी इसकी क्या हो जाएगी चौड़ाई, ठीक है। तो हम 30 माइनस 2 प्लस 2 यानी रास्ता का जो भाग आएगा उसको काट के निकाल देंगे, तो 30 माइनस 4 कितना हो जाता है 26, ये हमारा क्या हो जाएगा चौड़ाई। अब देखो हमें अगर जो देखा जाए, ठीक है, तो अंदर वाले जो आयत है उसकी लंबाई और चौड़ाई पता चल गई, पता चल गई कि नहीं, लंबाई कितनी है 36 मीटर और चौड़ाई कितनी है 26 मीटर, ये हमें पता चल गया। अब जब हमें लंबाई चौड़ाई पता है तो हम आयत का क्या निकाल सकते हैं, क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, निकल सकता है आसानी से निकल जाएगा। अब जरा निकालो इसमें तुम इसका क्षेत्रफल, यानी इसका क्षेत्रफल निकालो, क्षेत्रफल जब निकालोगे इसका तो क्या हो जाएगा लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो जाएगा 36 गुणे 26, ठीक है, तो 36 गुणे 26 कितना होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा 936 मीटर स्क्वायर। ये किसका हो गया अंदर वाला, जो तुम्हारा अंदर है बाउंड्री के अंदर है, यानी पी क्यू आर एस वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब हम निकालेंगे आयत ए बी सी डी का क्षेत्रफल। अब ए बी सी डी का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल जब निकालोगे तो लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी है बड़े वाले आपका 40 और चौड़ाई 30, तो लंबाई गुणे चौड़ाई कितना हो गया 1200 मीटर स्क्वायर। अब अगर जो कोई तुमसे पूछे, क्या पूछे कि जो हमारा रास्ता है, ये रास्ता इसका क्षेत्रफल होता है, तब क्या करना पड़ेगा, अरे सिंपल सा है, एक कागज लो, ठीक है, कागज लो जिसमें तुम्हारा 40 मीटर की जगह 40 सेंटीमीटर लो, 30 मीटर की जगह 30 सेंटीमीटर लो, उतना बड़ा कागज काट लो, फिर उसके बाद उसी में एक आयत ऐसा बना लो जो 36 मीटर और 26 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर का हो। अब आपस में कट कर लो ये वाले आयत को, तो ये जो बचा हुआ भाग है वो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, कितने लोग बता सकते हो, ऐसे निकलेगा कि क्षेत्रफल जो इसका रहेगा यानी रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना चाहो तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा तुम्हारा एबीसीडी का क्षेत्रफल, एबीसीडी का क्षेत्रफल माइनस किसका PQRS का क्षेत्रफल, ठीक, एबीसीडी का क्षेत्रफल कितना आया है 1200 मीटर स्क्वायर और इसका कितना आया है 936 मीटर स्क्वायर। अब बताओ ये कितना आएगा, यानी ये जो बड़ा वाला आयत है इसमें से इसका क्षेत्रफल निकाल लो, काट के
निकाल लो इतना भाग, तो कितना बचेगा, यही तो इतना भाग बचेगा, पट्टी वाला भाग बचेगा कि नहीं, यानी जो रास्ता वाला भाग है जो सेडेड है वही सिर्फ बचेगा, तो हम बड़े वाले में से इसको माइनस कर देंगे तो नहीं तो बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, ठीक। तो ये कितना आ जाएगा तुम्हारा 1200 माइनस 9236 264 मीटर स्क्वायर।